जूलिया प्रोग्रामिंग में सिमुलेशन बनाने के प्रीरिक्विज़िट्स देखने के बाद आज हम अपने फर्स्ट सिमुलेशन बनाएंगे। और पहला टॉपिक मैंने लिया है, सिमुलेशन लिया है रेडियोएक्टिव जिसे मॉडर्न फिजिक्स से। हमें पता है कि कई सारे ऐसे न्यूक्लियर्स हैं जो अनस्टेबल हैं, जैसे कि यूरेनियम 235 है, वो कंसिस्ट करता है 143 न्यूट्रॉन्स पे 92 प्रोटॉन्स पे। प्रोबेबिलिटी उसके डिके होने की कम है, लेकिन इनसिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो डिके हो जाए अपने साइज के हाफ साइज के दो न्यूक्लियाई में, और प्लस न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस रैंडम है इन सेंस के अगर आपके पास गिवन सैंपल है यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई का, तो आप ये नहीं बता सकते कि कितने टाइम के बाद ये डिके होगा। आप ये जरूर बता सकते हैं कि इतने टाइम के बाद इसके डिके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो कि इक्वलेंट है ये बताने के कि एवरेज टाइम ऑफ डिके क्या है। जैसे कि यूरेनियम 235 का मीन लाइफ टाइम है अप्रोक्सीमेटली 10^9 ईयर्स। आपके पास अगर सैंपल गिवन है किसी भी टाइम पे, ये सैंपल गिवन है जो कि नंबर ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई है 235 प्रेजेंट है एट टाइम टी पे, और डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस पूरे प्रोसेस को बताएगी आपको वो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें टाउ है टाइम कांस्टेंट और इस इक्वेशन का सोल्यूशन हमें पता है जो एक्सपोनेंशियल डिके है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास टी इज इक्वल टू 1 टाउ है, तो आपके पास इतने फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई एक इतने टाइम के बाद डिके नहीं होंगे। सॉल्यूशन हमें पता है एग्जैक्टली सॉल्व है जो मैंने आपको इक्वेशन 2 में शो किया है, लेकिन फिर भी हम इसको न्यूमेरिकल अप्रोच से सॉल्व करना चाहेंगे। इस न्यूमेरिकल अप्रोच में हम जो मेथड सीखेंगे वो काफ़ी डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई होगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी को सॉल्व करने की टेक्निक हमें मिल जाएगी, न्यूमेरिकल अप्रोच होगी। गोल हमारा ये है कि एन यू एज अ फंक्शन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, जबकि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो एट टाइम 0। तो स्टार्ट करते हैं हम टेलर एक्सपेंशन से। तो इसकी टेलर एक्सपेंशन है हमारे पास एन यू 0 प्लस डी एन यू डी टी, और वहाँ 1/2 फैक्टोरियल डबल डेरिवेटिव। ये हम पहले भी देख चुके हैं डेरिवेटिव वाले चैप्टर में। और टेलर एक्सपेंशन है अगर आपके पास फंक्शन 0 पे गिवन हो और टाइम डेल्टा टी पे आपको चाहिए हो, तो एन यू 0 आपको न्यूक्लियाई गिवन है एट टाइम 0 पे, और ये आपको टेलर सीरीज देगा एट टाइम डेल्टा टी टी पे, और डेरिवेटिव्स ऑफ कोर्स एवेल्युएटेड है एट टाइम 0। जैसे कि अगर हम अप्रोक्सीमेशन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो लेट्स से हम डेल्टा टी अपोज टू 0 करते हैं, तो हमारे पास ये वाई जो टर्म है वैनिश होती जाएगी, ये टर्म हमारे पास वैनिश हो जाएगी, और आप इनको आसानी से जो है इग्नोर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन के लिए ये स्टिल अप्रोक्सीमेशन है, डेल्टा टी अपोज 0 कर रहा हूँ, जितना आप डेल्टा टी स्मॉल लेंगे आपकी अप्रोक्सीमेशन उतनी बेहतर होगी। तो हम हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट करने के बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी है। ये इक्वेशन आप डेरिवेटिव की डिफिनेशन से भी हासिल कर सकते हो, जैसे कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन हम देख चुके हैं, जिसे हम फॉरवर्ड डिफरेंस कहते आए हैं। लिमिट टी डेल्टा टी अपोज 0 है, और ये आपके पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस है। इसी इक्वेशन को आप थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, डेल्टा टी जहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एन यू में यहाँ पे नेगेटिव है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, आपके पास एग्जैक्टली वही इक्वेशन आएगी जो हमारे पास 4 इक्वेशन है। इसमें अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पुट करें जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी, ये इक्वेशन पुट करें डी एन यू डी टी इक्वल टू दिस है, तो आप देखोगे कि आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास है आइटरेटिव इक्वेशन, कि आपके पास अगर टी टाइम पे आपको न्यूक्लियाई पता हो, तो डेल्टा टी एक टाइम स्टेप के बाद आप न्यूक्लियाई बता सकते हो कि वो क्या होंगे। तो टी पर आपको पता है ये इक्वेशन, तो आप टी प्लस डेल्टा टी एवेल्युएट कर सकते हो। फिर ये टी प्लस डेल्टा टी राइट हैंड साइड पे पुट होगी जो वैल्यूज हैं इक्वेशन के, और आपको मिलेगी वैल्यू 2+2 डेल्टा टी पे न्यूक्लियाई के। फिर आप टी प्लस 2 डेल्टा टी को अप्लाई पुट करोगे राइट साइड इक्वेशन के, और आपकी लेफ्ट हैंड इक्वेशन आ जाएगी टी प्लस 3 डेल्टा टी।
एंड सो ऑन. तो टी प्लस एन माइनस वन डेटा टी आप लेफ्ट राइट हैंड साइड में पुट करोगे और आपको इक्वेशन में न्यूक्लाई मिलेगी टी प्लस एन डेल्टा टी पे वैल्यू. इसको हम कहते हैं आइटरेटिव इक्वेशन. आइटरेटिव इक्वेशन की जिस तरह की टाइम आप अगर आप टाइम टी पे वैल्यू देते हो तो आपको एक टाइम स्टेप के बाद वैल्यू कैलकुलेट कर देगी. तो अप्रोच जो हमने सीखी है यहाँ पे इक्वेशन फाइव और इक्वेशन सिक्स को मिला के, यानी कि ये न्यूमेरिकल अप्रोच ये जो आई है और इसको और इस इक्वेशन को जिसमें हमने डेरिवेटिव वैल्यू पुट की है, इस अप्रोच को हम कहते हैं आयलर मेथड. इसको हम कहेंगे आयलर मेथड. ये जनरल एल्गोरिथम है फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. कोड करने के बारे में अब देख लें कि आपने कोड कैसे करना है. पहले पहले तो हम चाहेंगे कि आप कोड करने से पहले थोड़ा सोच विचार करें और एक आउटलाइन कंस्ट्रक्ट कर लें कि आपको वेरिएबल कौन कौन से चाहिए इक्वेशन को आइटरेट करने के लिए, पहली चीज. दूसरी, आपके पास फंक्शन क्या है जो आपकी आइटरेशन कैलकुलेट करेगा, वो फंक्शन डिफाइन करें आप. और इनिशियल वैल्यू आपके पास होनी चाहिए कि वेरिएबल की वैल्यूज इनिशियली आप क्या स्टार्ट करोगे, टाउ की वैल्यू क्या होगी, एनयू की वैल्यू क्या होगी. और जो आपने प्लॉट करना है जाहिर सी बात है प्लॉट्स की लिमिट्स क्या होंगी. जैसे कि एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे हैं रेडियोएक्टिव डिके है, तो इसमें हमें जो वेरिएबल रिक्वायर है वो टी है, एक टाइम स्टेप डी टी, एन यू न्यूक्लाई को डिनोट करने के लिए, और टाउ चाहिए हमें. ये रही आपके पास आइटरेटिव इक्वेशन जो आपका फंक्शन बनेगी. तो आपका फंक्शन दो आइटरेटिव इक्वेशन पर मुश्तमिल होगा और इसी तरह आपकी इनिशियल वैल्यूज होंगी. टाइम जीरो से स्टार्ट करोगे आप, लेट्स से टाइम स्टेप आपके पास 0.05 लिया मैंने और इनिशियल जो न्यूक्लियर प्रेजेंट है टाइम जीरो पे वो 100 है और टाइम मैंने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस अप टू द स्केल बांध लिया. अब लास्ट है कि प्लॉट्स की लिमिट्स क्या होंगी, तो वो डिफाइन करेगी नंबर ऑफ आइटरेशन कि आपने आगे जानना कितनी नंबर ऑफ आइटरेशन परफॉर्म करनी है. लेट्स से आपने करनी है 100, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे जो टाइम एक्स एक्सिस है उससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 आइटरेशन के बाद आपका जो मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा 500 मल्टीप्लाई बाय 0.05. तो 100 आइटरेशन के बाद आपके पास 5 वैल्यू होगी एक्स लिमिट पे मैक्सिमम और 0 से लेके आपका 5 एक्स एक्सिस की लिमिट होगी. वाई लिमिट आप देख लो कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, जैसे कि हमें पता है ग्राफ एक्सपोनेंशियल डिके है, तो मैक्सिमम वैल्यू वही होगी जो इनिशियल पे वैल्यू है. तो इनिशियल वैल्यू है मैक्सिमम हमारी 100 और लोएस्ट वैल्यू है हमारे पास 0.